क्या आप भी अपने YouTube वीडियो में प्रोफेशनल एडिटिंग करना चाहते हैं लेकिन अपने वीडियो में इस तरह का इफेक्ट को कैसे बनाया जाता है नहीं पता? तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे इफेक्ट बताऊंगा जिसे आप अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं और अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं तीनों इफेक्ट काइनमास्टर से बनाने वाला हूँ। आपको अगर काइनमास्टर यूज करना नहीं आता तो आप अच्छी तरह से वीडियो देखेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा इस तरह का देखने को मिलेगा, देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्लस पे जाना है और यहाँ पर आपको 16:9 ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैं रेड बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आप अगर किसी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं इस इफेक्ट को तो आप ब्लैक बैकग्राउंड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक नहीं लेता हूँ, रेड ही ले लेता हूँ, मेरे को ऐड नहीं करना है। तो लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर में जाना है और यहाँ पर आपको ये पेंसिल वाला आइकन में जाना है और यहाँ से आपको ये राउंड वाला शेप, आपको पहले आपको यहाँ पर राउंड वाला शेप में क्लिक कर लेना है। आपका अगर एरो है तो आपको वहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये राउंड वाला शेप आपको ले लेना है और इसका कलर आप जो वाला कलर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसका कलर मैं ब्लैक रख लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह आपको यहाँ पर राउंड कर देना है, देख सकते हैं। करने के बाद आपको इसे लेयर तो बढ़ा लेना है, फुल कर देना है और यहाँ पर आपको सेंटर में बीचों बीच आपको ले आना है। उसके बाद आपको फिर से वहीं पर क्लिक कर लेना है और पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो वाला शेप, पहले तो आपको इसे साइज आपको बड़ा कर ले, इसको साइज में बड़ा कर लेता हूँ, ये वाला साइज दे देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला आपको टेक्स्ट दे देना है, ये डब्बा वाला जो है तो इसको आपको दे देना है, देख सकते हैं इस तरह का। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर मैं वाइट रख लेता हूँ, एक जैसा अच्छा नहीं दिखेगा। तो देख सकते हैं इस तरह का आपको दे देना है और देने के बाद आपको इसे भी आपको ऊपर ले आना है थोड़ा और यहाँ पर आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसे भी फुल कर देना है और यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट लिख लेना है जो आप बीच में ऐड करेंगे। तो आपको टेक्स्ट में जाना है, मैं वीडियो लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आपको इसे फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, चलिए कोई भी एक फॉन्ट दे देते हैं, वाला फॉन्ट ये वाला। तो फॉन्ट देने के बाद आप देख सकते हैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अंदर के हिसाब से, तो देख सकते हैं इसे बड़ा करने के बाद आपको इसे सामान कर लेना है और यहाँ पर आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको कभी अभी आपको कल एनिमेशन देना है, पहले वाले पे चले जाते हैं टेक्स्ट में और यहाँ पर आपको इन एनिमेशन में आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको स्लाइड वाला देना है, इस तरह का आपको ये वाला एनिमेशन आपको दे देना है। तो इसे आपको टिक कर देना है, उसके बाद आपको फिर से वहीं पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आउट एनिमेशन देना है। तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको, हाँ ऊपर की तरफ आपको दे देना है, एक बार नीचे आएगा तो एक बार ऊपर। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस तरह का आपको एनिमेशन दे देना है। और यहाँ पर आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में जाना है और इसे भी आपको इन एनिमेशन दे देना है। तो इन एनिमेशन लाइट वाला होगा, तो नीचे जाना है आपको, ये वाला एनिमेशन आपको दे देना है, देख सकते हैं। तो ये वाला एनिमेशन देने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है और फिर से आपको आउट एनिमेशन भी दे देना है, उसके बाद वाला दे देते हैं ये वाला। हाँ ये वाला एनिमेशन दे देते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है और यहाँ पर आपको पॉपअप वाला एनिमेशन दे देना है और उसके बाद आपको आउट एनिमेशन में आपको ये वाला एनिमेशन दे देना है, पूरा गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसको आपको थोड़ा छोटा कर लेना है, ये थोड़ा बड़ा हो चुका है तो आपको इतना बड़ा नहीं रखना है। आप चाहें तो इसे फास्ट भी कर सकते हैं, एक बार आपको इस एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फास्ट कर देना है। आपको अगर जल्दी में चाहिए तो आप इसे भी कट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं ये अंदर वाला हिस्सा और भी थोड़ा बड़ा होगा,
अब ठीक है। तो इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं स्वाइप अप हो चुका है। तो उसके बाद आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब चलिए मैं आपको सेकंड नंबर एनिमेशन में आपको दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर एनिमेशन आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से आपको कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ब्लैक रख लेता हूँ, वाइट, हाँ ब्लैक ही रख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपको कुछ भी सर्च कर लेना है। देख सकते हैं मैं तो इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम ही रख लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कोई भी आपको टेक्स्ट देना है जो आप बनाना चाहते हैं, तो इसका फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई भी एक दे देते हैं। तो देने के बाद आपको क्या करना है, आप इसे वीडियो में भी यूज कर सकते हैं इस तरह का एनिमेशन को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको सॉन्ग का ज़रूरत पड़ेगा इफेक्ट वाला, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो ये मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आपको अगर चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाला चेको आपको पहला वाला आपको ये इफेक्ट आपको सॉन्ग आगे में है तो उसे आपको कट कर देना है। तो यहाँ पर आपको कट में जाना है और इसे आपको कट कर देना है और इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर बैक में आना है, बैक में लाना है और इसका आगे में कट कर देना है और यहाँ भी कट कर देना है। तो आगे मैं इसे कट कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। आप अगर नहीं किए तो यहाँ पर गेट मोर पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट दे देना है, देख सकते हैं इस तरह का। और इफेक्ट देने के बाद आपको इसे यहाँ भी आपको कट कर देना है एक बार छोटा वाला पार्ट और इसे आपको बैक में लाना है और यहाँ पर आपको कट कर देना है और इसका टेक्स्ट भी आपको हटा देना है। इतना फुल नहीं रखना है, जितना इसका इफेक्ट है उतना ही रख लेना है। उसके बाद देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट बनके तैयार हो चुका है, अब इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह का आप इफेक्ट अपने वीडियो में भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी कूल लगता है। तो आप कुछ इस तरह का इफेक्ट बना सकते हैं। तो थर्ड वाला इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तीन नंबर इफेक्ट आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो देख सकते हैं मैं पहले से ले लिया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। उसके बाद आपको टेक्स्ट लिख लेना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट को इस तरह आपको दूर दूर रख लेना है। और उसके बाद आपको फिर से आपको लेयर में जाना है, इफेक्ट में जाना है और आपको एक इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ, ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, ये नहीं है, ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर जाना है और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं थोड़ा और यहाँ पर पहले वाले पे लाए आपने। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर की में जाना है और ये इसको थोड़ा आपको स्लाइड कर लेना है और इसको यहाँ पर ले आना है और फिर से इसको स्लाइड कर लेना है और इसको भी स्लाइड कर लेना है और यहाँ पर हो जाएगा लॉक। तो उसके बाद आपको फिर से स्लाइड कर लेना है थोड़ा सा और इस तरह का आपको स्लाइड कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। और लास्ट में आपको यहाँ पर दे देना है और उसके बाद आपको इसे आपको बैक ले आना है, पूरा बाहर कर देना है और यहाँ पर आपको एक की दे देना है। तो देख सकते हैं मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। बीच में मैं एक बार ऐड किया था इसलिए यहाँ पर इस तरह का हो गया। तो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं स्लोमो थोड़ा आपको। तो इस तरह का इफेक्ट काफ़ी कूल लगता है, आप भी कुछ इस तरह का इफेक्ट बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट जानना है, देख सकते हैं इस तरह का सब्सक्राइब ऊपर की ओर स्लाइड हो रहा है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट भी आपको बनाना सीखना है तो आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैं फुल ट्यूटोरियल बता दिया हूँ।
और अगर आपको एक बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप चाहिए जिसे आप अपने यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको अगर नहीं पता तो मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लेना। तो ऐसे ही मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।